अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, एक मरतबा फिर हम इस्लामिक नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, आज का सवाल है, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर कहना कैसा है? जी हाँ, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर कहना कैसा है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए वाजिब है, ऑप्शन बी मुस्तहब है, ऑप्शन सी जायज़ है, ऑप्शन डी हराम है। सही ऑप्शन चुनकर कमेंट में आपको इस सवाल का जवाब देना है। आपका वक्त होता है शुरू। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जायज़ है। जी हाँ, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर कहना बिल्कुल ही जायज़ है। इसमें कोई कराहत नहीं है, कोई नाजायज़ काम नहीं है। जैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को कहे, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर यानी नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तो इतना कहना तो किसी भी किताब में नाजायज़ व हराम नहीं लिखा है, और ना ही कोई आलिम मौलाना मुफ्ती इसको नाजायज़ व हराम कह सकते हैं। हाँ, अगर नाजायज़ तरीके से नाचते गाते हुए शराब पीते हुए इस तरीके का फेल करे तो वो कभी भी हराम है। सिर्फ इस्लामिक न्यू ईयर में ही कहना हराम नहीं होगा, बल्कि हर जगह जब भी इस तरीके का काम करेगा वो हराम ही होगा। तो गलत तरीके से अगर काम किया जाए तो गलत होगा, लेकिन ये जो है एक अच्छी चीज़ है। हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल की मुबारकबादी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दे रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है। तो साथ में अगर ये कह रहा है हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर यानी नया साल आपको मुबारक हो, उसके साथ साथ मुसलमानों को कुछ दुआया लफ्ज़ भी कह देनी चाहिए कि नया साल आपके लिए खैर वाला बने, अमन वाला बने, सलामती वाला बने, अल्लाह ताला इसमें सारे मुसलमानों को खैर अता फरमाए, भलाई अता फरमाए। तो इस तरीके का दुआया अल्फाज भी कह लेना मुनासिब है। अलबत्ता खुलासा बात ये निकला कि हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर कहना कोई नाजायज़ व हराम नहीं है, बल्कि जायज़ है, आप कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।